फिलहाल महाराष्ट्र में मौसम और राजनीति इन दोनों जगह गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो हनुमान चालीसा बनाम आजान का मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा, लगभग सारी राजनीतिक पार्टियां इस माहौल में और राजनीति कर रहे हैं और इसकी साफ वजह है आने वाला मनपा चुनाव। जी हाँ, अगले कुछ महीनों में बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और स्थानिक पार्टी से लेकर राष्ट्रीय पार्टियों को इस मनपा चुनाव में पहले से ही खासा आकर्षण होता है। इस एक वजह के कारण हर एक राजकीय पार्टी सुर्खियों में रहना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रतिज्ञा पत्र सादर कर कहा कि बारिश में मनपा चुनाव करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। फिलहाल मई महीने की गर्मी फिर उसके बाद बारिश की वजह से प्रभाग रचना समेत और भी अन्य जरूरी कामों की वजह से मनपा चुनाव आने वाले सितंबर में होने की संभावना है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बृहन्मुंबई महानगर पालिका। देखिए, ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका मतलब BMC, देखिए एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका ये है, महाराष्ट्र की राजधानी ये है और देश की आर्थिक राजधानी भी ये है। फिलहाल महाराष्ट्र में जैसे सूरज मेरे ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ की जो राजनीति है वो भी गर्माई है। राजनीति गर्माई का कहीं पे हनुमान चालीसा का वॉर हो रहा है, कहीं पे देखिए नमाज का वॉर हो रहा है, कहीं पे ये हिंदुत्व का मुद्दा आ रहा है, लेकिन ये सारे मुद्दे सारे राजनीतिक दल अभी क्यों उठा रहे हैं? देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी राजनीति है, वो है बीएमसी के चुनाव। आने वाले बीएमसी के चुनाव है, इसको मद्देनजर शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, महाराष्ट्र निर्माण सेना हो, कांग्रेस हो, हर राजनीतिक पार्टी जरा बड़ा बड़ा मुद्दा लेके राजनीति करी है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि अभी जो है जो इलेक्शन होने वाले हैं, यही सूत्र के हवाले से न्यूज मिली है कि अभी जो होने वाले चुनाव है वो बारिश के बाद आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि देखिए, बारिश में जो है वोटरों को तकलीफ हो सकती है। उसके अलावा राज्य सरकार ने एक प्रतिज्ञा पत्र दिया है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर उन्होंने कहा है कि बारिश में बहुत सारी अड़चन हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव है वो सितंबर के बाद, मतलब महाराष्ट्र में मुंबई में जब गणेश उत्सव होगा उसके बाद ही संभव है। फिलहाल मैं सुरेंद्र सोटिंग है मेट्रो मुंबई न्यूज के लिए।